नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण वास्तु से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूं। व्यक्ति अपना घर बनाता है, बड़े शौक से बनाता है। हर आदमी का सपना होता है अपने घर में रहना, लेकिन यदि घर बनाने के बाद उसमें वास्तु संबंधित छोटी मोटी गलतियां हो जाएं तो वहां पर टेंशन, तनाव, धन का अभाव और बीमारी का माहौल बना रहता है, समस्याएं बनी रहती हैं। तो एक ऐसी गलती जो आम तौर पर की जाती है और नहीं की जानी चाहिए, आपको मैं बताऊंगा उसमें किस प्रकार से सुधार करके आप अपना बना सकते हैं करोड़पति योग, यह भी बताऊँगा। साथियों, आपके घर का ईशान कोण पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वहाँ पर देवी देवताओं का वास माना जाता है, दैविक शक्तियों का वास माना जाता है, दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। पूरी जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको बता दूँ ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपके घर का पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोना है वह दबा हुआ नहीं होना चाहिए, वह कोना उठा हुआ होना चाहिए। वहाँ पर जल का निकास, गंदे पानी का निकास नहीं होना चाहिए। आपके घर के ईशान कोण में टूटा फूटा सामान, खंडित सामान, पुराना स्कूटर, पुराना टेलीविज़न, पुरानी कोई भी वस्तु, टूटा हुआ पंखा, ख़राब सामान, पुरानी रेडियो वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ईशान कोण एकदम शानदार, साफ़ सुथरा, शुद्ध, पवित्र होना चाहिए। वहाँ पर देवी देवताओं का वास और पूजा पाठ का स्थान और घर में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है एकदम चलते होने चाहिए। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके व्यापार को, आपके दिमाग को, आपके स्वास्थ्य को, आपके घर की सुख शांति को ठप कर सकता है। अपने घर के ईशान कोण को सजा करके रखें, शानदार रखें, खुशबूदार रखें, मंत्र आदि का जाप करके उसको प्रभावशाली बनाकर रखें, वहाँ से गंदगी हटाएं। निश्चित रूप से यह उपाय करने से यदि ये कमी आपके घर में है, ईशान कोण में लैट्रिन है, बाथरूम है, टूटा फूटा सामान पड़ा है, वहाँ पर पुराने सामान खड़े हुए हैं, स्कूटर वगैरह, सीधी सी बात है आपको दिक्कत करेंगे, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।